व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज है बहुत ही खुशी का दिन हमारे लिए, हमने जीते हैं पूरे 25 लाख रुपए। बाप रे बाप, 25 लाख रुपए, आप भी जान के शौक हो जाओगे। सदमा तो सबको लगता है, बाप रे अब इन 25 लाख रुपए का हम क्या करेंगे? घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, गांव में जमीन लेंगे, मस्त और वो सारा कुछ करेंगे जो अगर कोई भी मिडिल क्लास आदमी को 25 लाख रुपए मिलते तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। 25 लाख रुपए मिडिल क्लास में मिलने के लिए फ्री में बिना कुछ किए। सो ऐसे कोविड के टाइम में 25 लाख रुपए, जहाँ पे लोगों की जॉब चले जा रही है, जो लोगों का जॉब चला गया, बहुत लोगों के घर में जो डेली वर्कर्स है उनके घर में पैसे नहीं है, तो इनके लिए ये 25 लाख रुपए होते हैं ना, बहुत बड़ी बात होती है। क्या आप भी जानना चाहते हो कि हमें ये 25 लाख रुपए कैसे मिले? क्या आप एक्साइटेड हो? एक्साइटेड हो रही है। सो आपको मैं बता दूं कि मुझे जो 25 लाख रुपए मिले हैं ये बिना कहीं कुछ किए, बिना एक रुपए का भी मेहनत लगाए, बिना एक रुपए भी कहीं इन्वेस्ट किए, बिना कुछ किए मुझे पूरे 25 लाख रुपए मिले हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कैसे मिले। कितनी खुशी मिलती है कि यार बिना मेहनत के इतने सारे पैसे मिल गए। तो ऐसी सब चीजें होती है जहाँ आप हो जाते हो ट्रैप। सो ये आप देख सकते हैं, ये मोबाइल नंबर से मुझे मैसेज आया कुछ दिन पहले, मतलब ये मैसेज आया था मुझे 21 अगस्त को ये मैसेज आया, जिसमें मुझे कहा गया व्हाट्सएप में, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, कि मुझे कहा गया कि आप 25 लाख रुपए जीत गए हैं केबीसी द्वारा, और मुझे मैसेज किया। उसके बाद ये बैंक मैनेजर का कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। ये मैसेज में लिखा गया है कि आप अपने मोबाइल नंबर पे, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है, उस पे आप 25 लाख रुपए जीतते हैं। सो आपको ये इनाम जीतने के लिए, ये राशि जीतने के लिए, अपने बैंक अकाउंट में राशि प्राप्त करने के लिए आपको ये मोबाइल नंबर दिया गया है, उसको सेव करके उस पे कॉल करना पड़ेगा। ये ऑब्वियसली ये फेक है, दिखने से बिल्कुल फेक लगता है। कभी क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है, बिना कुछ किए, बिना एक रुपए की भी मेहनत किए हुए आपको 25 लाख रुपए मिल जाए? ऐसा कभी हुआ है? आप भी सोच रहे होंगे ना, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसमें कुछ लिखा हुआ है कि ये नंबर आप सेव करके अपने मोबाइल से इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉलिंग करिए, तो मे भी कुछ साजिश होगी, स्कैम होगा, जिससे आप ये नंबर सेव करके अपने जो भी अपना मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर्ड है उस नंबर से आप फोन करेंगे, तो हो सकता है कि आपका बैंक खाली हो जाए। सो इस चीज का काफी ध्यान रखना है आपको। ऐसी चीजें जब आपके पास आती हैं तो उसे काइंडली इग्नोर करिएगा, प्लीज उस झांसे में मत आइए, नहीं तो आपके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तभी कुछ दिन पहले कुछ OLX का भी कांड हो रखा है, जैसे कि वहां से आप OLX पे कुछ प्रोडक्ट डालते हैं बेचने के लिए, और फिर वहां से आपको एक बायर फोन करता है और बोलता है कि सर मैं आपका प्रोडक्ट बिना देखे लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, और वो आपको फिर एक QR कोड भेजेगा, जिसे स्कैन करने से पहले आपके अकाउंट में 1-2 रुपए आएंगे, 10 रुपए तक आएंगे, दोबारा QR कोड स्कैन करेगा तो आपके अकाउंट से सारे पैसे कट जाएंगे। तो यही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे भी खुद आया है अभी मैसेज, तो मैंने सोचा गया कि हमने कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, उनके साथ क्यों ना शेयर किया जाए ये बेचारे, क्योंकि थोड़े कुछ लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, वो कभी कभी झांसे में आ जाते हैं। सो आपको ये चीज़ बता दूँ, ये जो एक पिक्चर आई थी जामतारा, अगर आपको नहीं पता तो आप वो भी देख के थोड़ा सीख ले सकते हैं उस पिक्चर से भी। ये जो फिशिंग वाले होते हैं फ़ोन करके जो आपको लूटते हैं, ये महीने का मिनिमम कम से कम 4-5 लाख रुपये कमाते हैं, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, और ये किसी को भी नहीं छोड़ते। ये कोविड वाले में बेचारा कौन कैसा है, किस बीमारी में अटका है, किस परेशानी में अटका है, आप इस झांसे में जल्दी फंस सकते हो, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत होती है, और स्पेशली ये सब चीजें उन लोगों के साथ होती है जो जिनको इस सब चीजों का ज्यादा नॉलेज नहीं, उनको ऐसा लगता है कि चलो 10,000 रुपए का तो अगर आसानी से पैसा आ रहा है तो आने दो, और उसके चक्कर में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बैंक अकाउंट क्लियर करवा देते, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। हम ना बहुत इजी मनी ढूंढते हैं, बहुत आसानी से पैसे ढूंढने की तलाश में रहते हैं। सो ऐसा कभी भी कुछ भी होता है तो आप अपने आप में सतर्क रहिएगा, और दूसरों को भी सतर्क करिए। अगर आपके जान पहचान में, जैसे मम्मी पापा चाचा चाची भाई बहन, अगर किसी को नहीं पता है तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी सतर्क करिए। ये सारे फ्रॉड काफी चल रहे हैं इस लॉकडाउन में, तो बहुत ही अधिक हो गया है और बहुत लोग फंस चुके हैं इसमें, तो आप सतर्क रहिएगा। ये छोटा सा एक वीडियो है ताकि हम आपको सतर्क कर पाए, और जो भी हमारे चाहने वाले हैं उनको ये वीडियो बता पाए। सो बिना कुछ मेहनत किए हुए आप कभी कुछ भी नहीं जीत सकते, ना 1 रुपए ना 25 लाख रुपए।
₹1000। ये सारा बोकस है, बकवास है, फालतूगिरी है। इसके झांसे में आप लोग नहीं आए, ना तो मैंने 25 लाख जीते, ना इसने जीते, किसी ने नहीं जीते। कभी ऐसा नहीं हो सकता है बिना कुछ किए आप पैसे जीत जाए। सो बैंक के भी काफी फोन आते हैं, उस पर भी सतर्क रहिए। QR कोड स्कैन मत करिए, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो बैंक ट्रांसफर करने का कोशिश करिएगा। कभी भी आप अपना डिटेल किसी भी आदमी या किसी भी व्यक्ति के साथ आप कभी शेयर मत करिएगा, इससे आप ही का नुकसान होगा। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, दबा के शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और नीचे कमेंट करके भी बताना अगर आपके साथ भी ऐसी कोई चीजें घटित हुई है, ऐसी कोई घटना हुई है, ऑलरेडी हो गई है, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताना ताकि बाकी लोग भी पढ़ सके। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे सेफ और सतर्क रहिए।